धौलपुर शहर के निहालगंज थाना इलाके में HDFC बैंक मैनेजर के खिलाफ बैंक में तैनात महिला कर्मचारी ने मैनेजर पर पिछले एक वर्ष से शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। महिला ने ट्विटर पर पोस्ट कर न्याय की गुहार लगाई थी। युवती ने आज शनिवार देर रात आरोपी बैंक मैनेजर एवं उसके सहयोगी के खिलाफ महिला पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। पीड़ित महिला बैंक कर्मी ने तहरीर में बताया कि वह धौलपुर में HDFC बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत है। बैंक के ब्रांच मैनेजर आशीष जैन पिछले एक वर्ष से मुझे बिना वजह के तंग परेशान कर मेरा शोषण कर रहा है। बैंक मैनेजर आशीष जैन नॉन CCTV कैमरा एरिया में बुलाकर कई बार उसने बदनीयत पूर्वक मेरे नाजुक अंगों को टच किया है, जिसका मैंने विरोध किया तो वह अपने अधिकार एवं पद की धमकी देकर नौकरी से निकालने के लिए बोलता है और बैंकिंग करियर बर्बाद करने की धमकी देता है। कार्यस्थल पर कार्य करते समय बैंक मैनेजर मुझे अपनी पर्सनल केबिन में अकेला बुलाकर मेरे साथ अश्लील हरकत कर मेरे साथ अश्लील बातें करता है। बैंक मैनेजर की इन हरकतों को मैं अपनी बदनामी की वजह से पिछले एक वर्ष से पीड़ित थी। बैंक की छुट्टी होने के बाद भी वह मेरा पीछा नहीं छोड़ता और पीछा कर मेरे पीछे चल पड़ता है। मैनेजर मेरे करियर को बर्बाद करने की धमकी देता है और मुझे शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालता है। युवती ने बताया कि वह पिछले एक वर्ष से घुट घुट कर जी रही है। बैंक मैनेजर के साथ एक अन्य बैंक का कर्मचारी भी है, जिसके बड़े राजनीतिक नेताओं से ताल्लुकात हैं। वह भी इन हरकतों में शामिल रहता है। पीड़ित महिला बैंक कर्मी ने कहा कि पूर्व में भी उसने हिम्मत कर पुलिस के समक्ष शिकायत पेश की थी, लेकिन बैंक मैनेजर को राजनीतिक संरक्षण मिलने पर पुलिस ने किसी भी कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया। पीड़िता ने बताया कि चारों तरफ से निराशा मिलने पर उसने ट्विटर पर पोस्ट कर न्याय की गुहार लगाई थी। गौरतलब है कि बैंक में तैनात युवती असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत है। युवती ने 5 अप्रैल 2019 को दोपहर 12:35 पर ट्विटर पर पोस्ट किया था। ट्विटर पोस्ट में महिला बैंक कर्मी ने लिखा था, मैं HDFC बैंक धौलपुर में काम करती हूँ। मैं अपने शाखा प्रबंधक आशीष जैन द्वारा अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना कर रही हूं। बैंक मैनेजर मेरे करियर को बर्बाद करना चाहता है। युवती की ट्विटर पोस्ट कर देश भर में 2500 कमेंट मिले हैं एवं 1500 से अधिक ट्विटर किए गए हैं। युवती द्वारा की गई तहरीर पर महिला पुलिस थाने में बैंक मैनेजर आशीष जैन एवं उसके साथी श्रीराम के खिलाफ मामला पंजीवृत किया है। थाना प्रभारी यशपाल सिंह ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है, कानून संबंध अनुसंधान कर मामले में उचित कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। आज 5 दिन परेशान होने के बाद मैं लास्ट में अपने जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, जो भी दुष्कर्म करने की उसने मेरे साथ कोशिश की, उस सबको लेते हुए मैं आज थाने में FIR कराने के लिए आई हूँ। अब देखते हैं कि मेरे FIR पे कितना काम होता है, क्योंकि इस FIR को रोकने के लिए ऊपर से कई दबाव डाले जाएंगे, क्योंकि हमारे बैंक में कार्यरत कई कांग्रेस लेवल के नेता वहाँ बैंक में काम करते हैं, जो कि शायद इसको इस FIR पे आगे काम नहीं होने देंगे। बट यही कोशिश रहेगी मेरी कि शायद मुझे लास्ट में न्याय मिले और इस जो भी FIR में कराने आई हूँ, शायद इस पे जो भी अधिकारी हैं उस पे एक्शन लें। आपको परेशान कौन कर रहा है? मेरे को परेशान करने वाला मेरा खुद का ब्रांच मैनेजर आशीष जैन है, जिसने एक साल से मेरे साथ शारीरिक मानसिक रूप से मुझे बहुत बड़े लेवल पे परेशान करके रखा हुआ है, जिसके लास्ट में अब यहाँ तक आके मैं इतना परेशान हो चुकी हूँ कि मुझे ये कदम उठाना पड़ रहा है, क्योंकि उसने ये चीज़ मुझे क्लियर बोल दी कि अगर मैंने उसकी मनमानी नहीं मानी और अगर उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए तो वो मेरा कैरियर और मेरी बैंकिंग लाइफ टोटल बर्बाद कर देगा। कहते हैं कि प्रतिभाएं केवल बड़े शहरों की मोहताज नहीं होती, यह बात धौलपुर जिले के सचिन बंसल और शिवम वर्मा ने साबित कर दी है। सचिन बंसल और शिवम वर्मा का सिविल सर्विसेज में चयन हुआ है। जिले की उप तहसील मनिया निवासी सचिन बंसल पुत्र ग्रीस ने पहली बार में ही IAS की परीक्षा पास की है। सचिन बंसल को 348वीं रैंक मिली है। सचिन ने IIT परीक्षा पास करने के बाद IAS की तैयारी शुरू की थी। वहीं धौलपुर जिले में जिला परिवहन अधिकारी के पद पर तैनात मनोज कुमार वर्मा के पुत्र शिवम वर्मा का भी सिविल सर्विसेज में चयन हुआ है। शिवम वर्मा ने MTech किया है और पहली बार में ही सिविल सर्विसेज परीक्षा में 474वीं रैंक प्राप्त की है। जी, मेरी रैंक 474 आई है, 474वीं ऑल इंडिया। आपने BTech कहाँ से किया है? जी, मैंने BTech और MTech किया है, ISMIT धनबाद से। सिविल परीक्षा की तैयारी कहाँ की?
कि सिविल सर्विस की तैयारी मैंने कोचिंग के लिए मैं दिल्ली गया था, उसके बाद मैं जयपुर अपने घर रहा हूँ एक साल, मैंने वहीं पर तैयारी करी थी। सफलता का श्रेय किसको दिया? सफलता का श्रेय बहुत सारे लोगों को जाता है, उसमें मेरे पेरेंट्स आते हैं, श्री मनोज वर्मा जी, श्रीमती वर्षा वर्मा जी, मेरी दीदी जिया जी आती हैं, मेरी फ्रेंड आती हैं विधि शर्मा जी, और मेरे दोस्त हैं केशव किशोर, और बाकी सभी परिवार के और दोस्त लोग जिन्होंने मेरा समर्थन किया है अभी तक। इसके साथ आप बताएं कि परीक्षा फाइट करने का मेन उद्देश्य क्या था? परीक्षा फाइट करने का मेन उद्देश्य यही था कि मैं पहली बात तो प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहता हूँ, मैं सेवा करना चाहता हूँ लोगों की, क्योंकि मेरे पेरेंट्स से भी मैं प्रभावित हूँ, मेरे फादर भी सिविल सर्वेंट हैं, तो उनके देख कर भी मैं इसी तरह की सेवा में जाना चाहता था, और साथ में ये भी है कि मेरा खुद का एक उद्देश्य था कि मैं एक बड़ी परीक्षा में एक बड़ा मुकाम हासिल करूँ, वो मेरा प्राइवेट एक एम था कह सकते हैं, तो उसके लिए भी मैं ऐसे भी सेवा में। आपके बेटे ने सिविल सर्विस परीक्षा फाइट की है, अच्छी रैंक प्राप्त की है, आपने अपने बेटे के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ पढ़ाया उसको? देखिए मैंने अपनी तरफ से तो जो इन्होंने चाहा वो किया है, क्योंकि मैं कभी इस अपने काम के अलावा कुछ सोच भी नहीं पाता था कि इनको कहाँ भेजना है क्या है, ये सर्च करते रहे और इनको ये लगा कि ये इंस्टीट्यूट अच्छा है या जो भी है, उसमें गए और ये बाजीराम से इन्होंने कोचिंग की वहाँ पर दिल्ली में जाके, और कोचिंग एक पैटर्न सेट करती है, उसके बाद में तो फिर क्या होता है कि सेल्फ स्टडी ही ज़्यादा काम आती है, कोचिंग के बाद में फिर उन्होंने सेल्फ स्टडी किया, उसके बाद उसी से फिर जो सक्सेस मिली उस हिसाब से। आप बेटे ने सिविल सर्विस परीक्षा फाइट के लिए कैसा महसूस कर? टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संसार मेरे नीचे। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लंबे समय से फरार चल रहे 2000 के साथ इनामी बदमाश बंटी को उसके साथी सहित गिरफ्तार किया है। बदमाश जिले में लंबे समय से आतंक का पर्याय बना हुआ था। कंचनपुर थाना पुलिस ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में बदमाशों और अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने बदमाश बंटी पुत्र भोगीराम गुर्जर निवासी पतौली अतिराज कापुरा की गिरफ्तारी के प्रयास किए गए हैं। पुलिस ने मुखबर की सूचना पर बदमाश बंटी एवं उसके सहयोगी रमेश गुर्जर निवासी चंदेलपुरा थाना बसई गांव को थाना क्षेत्र से घेराबंदी कर दबोच लिया है। बदमाश बंटी पिछले लंबे समय से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। पुलिस अधीक्षक की तरफ से बदमाश पर 2000 रुपये का इनाम घोषित था। बदमाश बंटी संगीन वारदातों में वांछित चल रहा था। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर के निर्देश अनुसार हार्डकोर बंदी बंटी भोगीराम निवासी अतराज के प्राप्त में साथी के गिरफ्तार किया गया है, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की ओर से 2000 रुपए की इनाम है, उससे मुकदमा आजाम में तफ्तीश की जा रही है। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके के गांव गुर्जरा कलाम में आंधी से कच्ची दीवार धराशायी हो गई, जिसमें एक परिवार के 5 जने दब गए। घटना से गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर सभी को दीवार के मलबे से बाहर निकाला, जिसमें 7 वर्षीय बच्ची एवं उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने नाजुक अवस्था में जिला अस्पताल के ट्रोमा वार्ड में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर बच्ची को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक बीती रात आंधी से गांव गुर्जरा कला में कच्ची दीवार धराशायी हो गई, जिसमें एक परिवार के 5 जने दब गए। ग्रामीणों ने निजी स्तर पर रेस्क्यू चलाकर सभी को दीवार के मलबे से बाहर निकाला। परिजन नाजुक अवस्था में 7 वर्षीय बच्चे रितु एवं उसके पिता टीकम सिंह को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। घायल पिता टीकम सिंह का जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। पीड़ित परिजन ने घटना की सूचना स्थानीय कंचनपुर थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक बच्ची का शव कब्जे में लेकर जिला अस्पताल में परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करा दिया है। कौन कौन दबे हैं? मतलब ठीक हूँ, बाकी बिटिया मतलब रितु और मम्मी है, बाकी और दो तीन है, मतलब मेरी छोटी चोट आई है, 5 जने। तो नाम क्या है? मेरा नाम दामोदर। आप कौन सी जगह के रहने वाले हो? गुजर रहा है।
धौलपुर जिले के सरमथुरा हाईवे पर बरौली स्थित पूजा गैंगसा के समीप बाइक सवार दो युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं बाइक चला रहा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 108 एम्बुलेंस की सहायता से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, वहीं मृतक के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। ASI वासुदेव सिंह ने बताया कि शुक्रवार रात्रि 7:45 करीब हाईवे पर बरौली स्थित पूजा गैंगसा के समीप बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बनवारी पुत्र महाराज सिंह उम्र 20 वर्ष निवासी सुनकई की मौत हो गई, वहीं सूरज पुत्र उदय सिंह निवासी सुनकई गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में घायल युवक का चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि हादसे में मृतक बनवारी परिवार में इकलौता बेटा था, जिसके बड़ा भाई की पूर्व में एक्सीडेंट के दौरान मौत हो गई थी। वहीं सूरज भी परिवार का इकलौता बेटा है, जिसने 4 दिन पूर्व ही नई बाइक खरीदी है, जिससे सरमथुरा घूमने के लिए आया हुआ था, जिसके लौटते वक्त हादसा हो गया। हादसे के बाद सुनकई में कोहराम मच गया है। 4:19 को समय 7:30 बजे रघुवीर के होटल के पास हाईवे 11B पर एक मोटरसाइकिल और अज्ञात वाहन में दुर्घटना हो गई, जिसमें एक लड़के की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जिसका नाम बनवारी सरम महाराज सिंह मीणा निवासी सुनकई है और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका नाम सूरज सरम उदय सिंह मीणा निवासी सुनकई है। घायल को उपचार के लिए सरमथुरा लाया गया है, जो इलाज चल रहा है, और मृतक की बॉडी को मोर्चरी सरमथुरा रख दिया गया है और मौके पर पूर्ण शांति है, गश्त जो है मौके पर कार्रवाई की गई है। धौलपुर जिले के रायाखेड़ा कस्बे के माता के मठ के पास बीती देर रात दो बदमाशों ने चोरी की नीयत से एक घर पर धावा बोल दिया। जगार होने पर बदमाश फायर कर मौके से भागने में सफल रहे। घटना को लेकर परिजनों ने शनिवार को रायाखेड़ा थाने में तहरीर दी है। पीड़िता के भाई अनिल ने पुलिस को तहरीर में बताया कि बीती रात्रि करीब 2 बजे के पास उसकी बहन प्रियंका कमरे में सो रही थी, तभी उसे अचानक कमरे में खटपट की आवाज़ सुनाई दी। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि राहुल पुत्र इंद्र पास जाती नाई निवासी तुलसी नगर मुगल बसई आगरा उत्तर प्रदेश उसकी बहन की खाट के नीचे रखी बंदूक को खींच रहा था। जब उसकी बहन प्रियंका ने इसका विरोध किया तो राहुल के एक अन्य साथी, जिसका मुंह कपड़े से ढका हुआ था, उसने हथियार से प्रियंका पर फायर कर दिया। गोली प्रियंका के बाएं हाथ के पंजे पर लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने शनिवार को रायाखेड़ा थाने पर घटना को लेकर FIR दर्ज कराई है। एक का ढाटा मारा था, एक का नहीं मारा था, तो एक ने उसमें से नीचे से बक्सा निकाला, बक्सा ना उसने उसको पकड़ लिया था। वो पकड़ने के बाद उसके कट्टा निकाल लिया, उसने कट्टा उसके माथे पर रख दिया। माथा रखने के बाद उसने कट्टे को पकड़ लिया, बाहर तक खींचते हुए ले आई उसे। तब सब लोग जगह कट्टा फायर कर दिया, उसने फायर करने के बाद भाग गया, पकड़ने की कोशिश की पर भाग गया। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के भगत का नगला गांव में एक 16 वर्षीय बालिका ने आज फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना के बाद मृत बालिका के परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसके शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा कर पुलिस को सूचना दी। जानकारी के मुताबिक मृतका सोनी, जो लंबे समय से बीमार चल रही थी और उसका इलाज परिजनों ने कई जगह कराया, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं होने के चलते सोनी कई दिनों से मानसिक तनाव में थी। आज सोनी ने दोपहर के समय कमरे में फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। अस्पताल पहुंची पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंपकर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर जिले भर में आज नवरात्र की शुरुआत पड़वा पर शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा की पूजा एवं घट स्थापना के साथ हुई। शुभ मुहूर्त और शुभ लगन में धर्म प्रेमी लोगों ने घट की स्थापना की और देवी की आराधना की। शहर के संतोषी, काली, झोरवाली आदि विभिन्न माता के मंदिरों पर सुबह से ही भक्तजनों का तांता लगना प्रारंभ हो गया था, जो करीब 10 बजे तक चला। सभी ने विधि विधान के साथ मंदिरों पर पूजा अर्चना कर देवी से सुख समृद्धि की कामना की। 9 दिन तक चलने वाले नवरात्र महोत्सव के लिए शहर के विभिन्न माता के मंदिरों पर आकर्षक सज्जा की गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु 9 दिन का व्रत भी कर रहे हैं। मंदिरों में आज से धार्मिक अनुष्ठान व जागरण के कार्यक्रम आयोजित किए गए। दुर्गा सप्तमी व अखंड रामायण के पाठ भी आज सुबह शुरू हुए। इस बार नवरात्र महोत्सव खास है, जो 9 दिनों में 5 स्वार्थ सिद्धि योग के अलावा रवि व पुष्य नक्षत्र के योग हैं, जो विशेष फलदायी हैं। इन योगों में पूजा पाठ सुख समृद्धि प्रदान करने वाला होगा। पीताम्बरा भक्त मंडल धौलपुर द्वारा विक्रम संवत 2076 हिंदू नववर्ष चैत्र मास के प्रथम दिवस पर पूरे हर्ष और उल्लास के साथ घंटाघर पर मनाया गया। इस उपलक्ष्य में सभी को तिलक लगाकर फूलमालाएं पहनाकर मिठाई वितरित की गई।
सभी देशवासियों को नूतन नव वर्ष की शुभकामनाएं देने के साथ साथ सुख समृद्धि की मंगल कामनाएं की। इस अवसर पर भक्त मंगल के चंद्रकांत सक्सेना, अश्वनी श्रीवास्तव, जगदीश प्रसाद गौड़, राजकुमार शर्मा, मुकेश सक्सेना, रवि सिवहरे, राज बहादुर सिसोदिया, पवन गोयल, सुनील तिवारी, प्रहलाद महावर, राजेश कुलश्रेष्ठ, ब्रजमोहन कुलश्रेष्ठ, वीरेंद्र मिश्रा एवं भक्त मंडल के कार्यकर्ता उपस्थित थे। जिला भारतीय जनता पार्टी धौलपुर के द्वारा राजनिवास स्थित भाजपा कार्यालय पर पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह त्यागी ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्याम प्रसाद मुखर्जी व भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष त्यागी ने कहा कि राष्ट्र सेवा में समर्पित भारतीय जनता पार्टी का सफर दीनदयाल उपाध्याय व श्याम प्रसाद मुखर्जी से शुरू होकर आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में सत्ता में है। किसी समय हमारी पार्टी के सिर्फ 2 सांसद हुआ करते थे, आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित है। हम सबको गर्व है कि हम भाजपा के सिपाही हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाकर देश की सेवा करेंगे। बैठक को अन्य पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया। इस मौके पर रविंद्र स्रोती, शरीफ खान, हेमंत लोधा, जयवीर पोसवाल, बांकेलाल लोधा, विजय त्यागी, जिला मंत्री धील सिंह जादौन, महाराज सिंह, हरेंद्र सिंह, महेश यादव, जयंत मोदी, जया मोदी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। देश भर में लगातार प्रति माह आयोजित किए जाने वाले अग्रवाल युवक युवती परिचय सम्मेलनों की श्रृंखला में अखिल भारतीय अग्रवाल परिचय सम्मेलन के तत्वाधान में 53वां एक दिवसीय परिचय सम्मेलन 28 अप्रैल रविवार को महाकाल की नगरी अवंतिका उज्जैन में आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश एरन ने उपरोक्त जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैन में परिचय सम्मेलन के पदाधिकारियों की एक बैठक अग्रवाल समाज उज्जैन के पदाधिकारियों के साथ मिलकर आयोजित की गई है, जिसमें 53वां एक दिवसीय अग्रवाल युवक युवती परिचय सम्मेलन 28 अप्रैल रविवार को अग्रवाल भवन उज्जैन में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस परिचय सम्मेलन के लिए विवाह योग्य अग्रवाल युवक युवतियों का पंजीयन प्रारंभ कर दिए गए हैं तथा अब तक लगभग 150 पंजीयन किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय संगठन मंत्री महेशचंद मंगल ने जानकारी देते हुए बताया कि परिचय सम्मेलन के अवसर पर प्रत्याशियों के विवरण जानकारी हेतु एक स्मारिका का प्रकाशन भी किया जाएगा।